तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़िया रहेंगे। तो यार दोस्तों, यहाँ पे हमारी नवंबर मिस्ट्री शॉप यानी कि मिस्ट्री शॉप 11.0 की दो फोटो निकल के आ चुकी हैं। तो दोस्तों, ये जो दोनों फ़ोटो निकल के आई हुई हैं वो दोनों ऑफिशियल फ़ोटो हैं जिसमें मिस्ट्री शॉप को दिखाया गया है। तो पहली फ़ोटो हमारी यहाँ पे पोस्टर के रूप में है और जो दूसरी फ़ोटो है वो है कैलेंडर के अंदर। तो मैंने आपको परसों बताया था कि मिस्ट्री शॉप कैंसिल हो चुकी है, लेकिन दोस्तों अभी मिस्ट्री शॉप की फ़ोटो आ चुकी है जो कि ऑफिशियल फ़ोटो है। तो उसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको इस मंथ मिस्ट्री शॉप देखने को मिलेगी। तो यार, गरीना फ्री फायर बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है मिस्ट्री शॉप को लेके। तो पहले गरीना ने बोला कि यहाँ पे मिस्ट्री शॉप आएगी, उसके बाद बोला कि नहीं आएगी, और फिर अब बोल रहा है कि आएगी। और यहाँ पे एक ट्विस्ट और इसके अंदर डाल दिया गया है कि अब की बार आपको मिस्ट्री शॉप के अंदर जो है इलाइट पास देखने को नहीं मिलेगा, और वो वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपको एक दूसरे इवेंट के अंदर इलाइट पास देखने को मिल सकता है। तो कौन सा है वो इवेंट, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यार दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वीकली कैलेंडर के बारे में। तो वीकली कैलेंडर में दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे मिस्ट्री शॉप दिखाई गई है फ्राइडे के दिन। साथ ही यहाँ पे उसके बगल में एक और इवेंट दिखाया गया है जिसका नाम है ब्लैक फ्राइडे। तो ब्लैक फ्राइडे के वहाँ पे इलाइट पास शो हो रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको मिस्ट्री शॉप के अंदर जो है वो इलाइट पास देखने को नहीं मिलेगा, और जो इलाइट पास देखने को मिल सकता है वो है ब्लैक फ्राइडे इवेंट के अंदर। तो अभी दोस्तों यार, मैं ये नहीं कह सकता कि इंडियन सर्वर में इलाइट पास आपको देंगे या फिर नहीं देंगे, वो सारा गरीना फ्री फायर के ऊपर डिपेंड है। तो जिस सर्वर पे सेल ज़्यादा हुई होगी तो वहाँ इलाइट पास में डिस्काउंट दिया जाएगा, और जहाँ पे सेल नहीं होगी तो वहाँ पे इलाइट पास में डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मिस्ट्री शॉप और ब्लैक फ्राइडे इवेंट जो हैं, ये दोनों इवेंट दोस्तों कन्फर्म है। तो आपको मिस्ट्री शॉप फ्राइडे के दिन मिल जाएगी, और जो यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे इवेंट है वो यहाँ पे दिखाया गया है मंडे के दिन। तो ये दोस्तों, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ही कोई हवा में बात कर रहा हूँ। तो ये फ्री फायर का जो यहाँ पे कैलेंडर निकल के आया हुआ है ऑफिशियल कैलेंडर, तो उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो नीचे के इवेंट हैं वो हमारे सर्वर के लिए नहीं है, यानी इंडियन सर्वर के लिए नहीं है। तो यार, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्राइडे में मिस्ट्री शॉप दिखाई गई है, साथ ही मंडे के दिन ब्लैक फ्राइडे इवेंट दिखाया गया है। तो अभी लाइट पास दोस्तों उसके बारे में गरीना ही जाने, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो सारा गरीना के हाथ में है, गरीना की गेम है, वो चाहे जो करे उनकी मर्ज़ी। तो यार, आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो मिस्ट्री शॉप के अंदर मेल और फीमेल के दो बंडल मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, तो इसमें भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं मिस्ट्री शॉप का जो पहला यहाँ पे पोस्टर और साथ ही एक यहाँ पे रिव्यू वाली जो वीडियो निकल के आई हुई है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अपकमिंग मिस्ट्री शॉप की एक वीडियो निकल के आई हुई है जहाँ पे 75% डिस्काउंट शो रहा है। तो गरीना फ्री फायर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। पहले गरीना फ्री फायर ने बोला कि मिस्ट्री शॉप हमें देखने को मिलेगी, और उसके बाद बोला कि नहीं आएगी क्योंकि FFCS इवेंट आने वाला है, और अब बोल रहा है, और अब यहाँ पे कैलेंडर भी रिलीज कर दिया है जिसके अंदर मिस्ट्री शॉप दिखाई गई है। तो मैं तो दोस्तों पूरा पागल हो चुका हूँ, लेकिन मुझे जो भी चीज़ें मेरे को मिल रही हैं या जो भी लीक मेरे को मिल रही हैं, तो मैं सारी चीज़ें आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यार, यहाँ पे एक यहाँ पे आप देख सकते हैं इलाइट पास तो दिखाया गया है, लेकिन वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि इलाइट पास नहीं दिया जाएगा। तो ये थोड़ा एडिट किया हुआ है मुझे लग रहा है। तो इलाइट पास तो दोस्तों ब्लैक फ्राइडे सेल के अंदर भी मिल सकता है, लेकिन नहीं भी मिल सकता है। तो वो गरीना फ्री फायर के अंदर है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं करूँगा। बाकी बात करें बंडल की, तो ये वाला जो मेल का बंडल है मिस्ट्री शॉप के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और इसी का जो फीमेल बंडल है वो भी आपको मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिस्ट्री शॉप के बारे में मैंने आपको बता दी है। तो अभी एक ब्लैक फ्राइडे सेल इवेंट होता है, तो वो इवेंट क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक साल से गेम नहीं खेलते हैं, यानी कि पिछले साल से गेम नहीं खेलते हैं। अगर जो पिछले साल से खेलते हैं तो उनको पता होगा कि ब्लैक फ्राइडे इवेंट क्या होता है। तो दोस्तों, ब्लैक फ्राइडे एक इवेंट होता है फ्री फायर के अंदर जो कि साल में एक बार आता है, और इस इवेंट के अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। तो ये पिछले साल के ब्लैक फ्राइडे इवेंट का पोस्टर है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने अभी गूगल पे सर्च मारा, तो इस साल जो हमारा फ्राइडे इवेंट है यानी कि जो ब्लैक फ्राइडे है वो है 27 नवंबर को। तो जैसे दीपावली पिछले साल अलग डेट में थी, इस बार अलग डेट को है। तो पिछले बार 29 नवंबर को ब्लैक फ्राइडे था, तो इस बार 27 नवंबर को ब्लैक फ्राइडे है। तो दोस्तों, 27 नवंबर के दिन हो सकता है कि आपको ब्लैक फ्राइडे इवेंट इस बार भी देखने को मिल जाए। तो उस इवेंट के अंदर हो सकता है कि आपको इलाइट पास देखने को मिले। तो अभी हम दोस्तों वेट कर सकते हैं ब्लैक फ्राइडे इवेंट का। लेकिन हाँ, जो ब्लैक फ्राइडे इवेंट है वो आपको 101% जो है कन्फर्म देखने को मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि वो पिछले साल भी आया था और इस साल भी आएगा। साथ ही मिस्ट्री शॉप भी यहाँ पे कन्फर्म हो चुकी है। तो मिस्ट्री शॉप वहाँ पे दिखाई है फ्राइडे, तो फ्राइडे कल परसों हमारा फ्राइडे है, तो 20 नवंबर के दिन दोस्तों हो सकता है कि आपको मिस्ट्री शॉप देखने को मिले। तो अब हम 20 नवंबर का वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोई अपने मन से तो बात नहीं करी है, मैंने आपको वहाँ पे पोस्टर दिखाया हुआ है, साथ ही ब्लैक फ्राइडे के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
तो यार इतना ही सब कुछ इस वीडियो में बताना था जो कि मैंने आपको बताया दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। साथ ही दोस्तों मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइए कि ब्लैक फ्राइडे आखिर होता क्या है, कि 27 नवंबर यानी कि ब्लैक फ्राइडे के दिन हुआ क्या था, यानी कोई घटना हुई थी क्या हुआ था, तो उसके बारे में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगली वीडियो में।